तो इंडिया गठबंधन की महारैली में आप नेता और चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार भी पहुंचे। मेयर कुलदीप कुमार ने बीजेपी केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, महारैली का लोकसभा चुनाव में असर होगा। मेयर कुलदीप कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। में महारैली आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बुलाई है और इस महारैली में आगाज होगा जो विपक्षी नेता आरोप लगाते आए हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही हो रही है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेयर भी हैं, चंडीगढ़ के मेयर हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद मेयर की कुर्सी इनको मिली है। बात कर लेते हैं कुलदीप जी, आज तो महारैली है लेकिन आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उस कुर्सी के लिए जिस पे आप बैठे हो। उस लड़ाई में सबसे बड़ी भागीदारी आप लोगों की है क्योंकि मीडिया ने बहुत जल्दी से लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कदम उठाए और उसमें जो प्रोटेस्ट हुए और उस किस तरह से आपने उजागर किया, वो जो उस टाइम तानाशाही करके एक लोकतंत्र की गला घुटा गया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है, दूसरा मेरी अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझे कहीं भी अकेला महसूस नहीं होने दिया और लास्ट तक लड़ाई लड़ी। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है, आपके बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, किस तरह से इसको देखते हैं? हेमंत सोरेन जेल में है, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ना, पहले तानाशाही की चंडीगढ़ के अंदर, वहां हमने जीत हासिल की, आज जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, सोरेन जी हैं, वो अंदर किए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी तानाशाही है। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे पहले अंग्रेजों के राज में या मुगल राज्य में ऐसा होता था कि जो उनके खिलाफ बोलेगा तो उसे अंदर डाल देंगे जेलों के अंदर? आज भी वही चल रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, तानाशाही हटाने की, और ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसे हम लड़ते रहेंगे। भाजपा तो कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ये अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट पर विश्वास रखिए, ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो इनके लिए तो सब कुछ मनगढ़ंत है। इन्होंने तो उस टाइम अनिल मसीह जी को भी कहा था भी ये बिल्कुल 8 वोट हैं जो वैलिड हैं, वो तो इनकी तो बातें कुछ है नहीं ना, सिर पैर है ही नहीं, वो तो हर जगह को अपने जो हर चीज गलत करते हैं उसमें कहते हैं जी नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो अनिल मसीह जी फिर क्यों पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट में? और देखिए आज ये जो इन्होंने तानाशाही अपनाई है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के तहत, ये भी उजागर होगी आपके सामने, और जितने भी ये घोटाले कर रहे हैं एक एक करके हम चंडीगढ़ में खोल रहे हैं और आने वाले पूरे देश में भी खोलेंगे। लोकसभा चुनाव होने और पहली बार चुनावों के अनाउंस होने के बाद पहली बार तमाम इंडिया गठबंधन जो नेता है वो एकजुट हो रहे, इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हो? देखिए, पहला उदाहरण तो मैं ही हूँ, इंडिया गठबंधन का पहला मेयर चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी।